हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं तो, वरना अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है एसिड बेस साल्ट का अपना लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और आप सभी ने बहुत अच्छा किया। लगभग ऑनलाइन क्लास में 42-45 के करीब में लोग ज्वाइन किए और जो जो ऑनलाइन क्लासेस में भी क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत सारे बच्चों ने उसको भी किया है, बहुत सारे नए भी किए हैं, तो वो लोग भी कंप्लीट कर लेंगे अपना सारा काम अभी। तो वो सारे कंप्लीट करने के बाद आप अपना काम शेयर भी करिएगा, क्योंकि सब कोई देख रहा है आप क्या वर्क कर रहे हो। आप क्लास टेंथ के लिए हो तो आपके लिए कोई हॉलीडेज नहीं है, तो आप ढंग से पढ़ाई करिएगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। तो आज हम पहले देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जो है पीओपी बोलते हैं, पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इससे आप सभी अवेयर होंगे, फ्रैक्चर्ड बोन को हील करने के लिए पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। अभी आप लोगों की तो हड्डी टूटी नहीं होगी, भगवान ना करे ऐसा हो। हमको हमारा तो एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उस समय हमको प्लास्टर लगा था, लेकिन आजकल तो अच्छे अच्छे प्लास्टर आ गए हैं मार्केट में। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? जिप्सम से। इसका मतलब सबसे पहले हमें समझना होगा कि जिप्सम क्या है। तो जिप्सम है क्या? इस जिप्सम का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। अब ज्यादा ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, इसका मतलब ये है, जब मैंने बोला डाई से मतलब हमारा किसका है, टूथ, और हाइड्रेटेड से किसका सेंस आ रहा है, वाटर का। इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट में दो मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं आगे आ रहा हूं, कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड साल्ट की बात ऑनलाइन क्लास में कर चुका हूं, इसके बाद मैं उसको भी बताने वाला हूं ढंग से। तो द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaSO4.2H2O। तो ये दो मॉलिक्यूल जो वाटर का आपको दिख रहा है, ये एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ऐड होता है, सोर नहीं। तो ये है जिप्सम की बात। अब हम लोग पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले तो हम जानेंगे केमिकल नेम क्या है, क्योंकि वन मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कभी कभी। तो केमिकल नेम इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड एंड द फॉर्मूला इज CaSO4.5H2O। मतलब कैल्शियम सल्फेट में अगर हाफ मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मतलब हाफ से है, यहाँ पे जनरली आधा मॉलिक्यूल वाटर कुछ होता नहीं है। तो कहीं कहीं बुक में ऑप्शन में ये भी मिलेगा, अगर दो से इसको मल्टीप्लाई कर दें पूरे को तो ये हो जाएगा 2CaSO4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट H2O आया, यानी कि 2CaSO4.H2O और CaSO4.5H2O इन दोनों की मीनिंग सेम है। इन दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केमिकल नेम पीओपी का क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड और इसका फॉर्मूला है CaSO4.5H2O, दो से मल्टीप्लाई करने पे 2CaSO4.H2O यहां पे आएगा। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते कैसे हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन तक, तो क्या होता है, इस जिप्सम से ये जो दो मॉलिक्यूल वाटर का है ना, इसका 3/4 यानी कि 1 होल नंबर 1/2 यानी 3/2 H2O इसमें से निकल जाएगा। तो यहां पे 3/2 इसमें से निकल जाएगा, 2 में से तो बचेगा कितना, 1/2 H2O। तो यहां पर जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जिप्सम ये जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका 3/4 पार्ट लूज कर देता है
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यहां पे एक प्रिकॉशन है मैं आपको बताता हूं, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन से ज्यादा नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, जब टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाएगा बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा देन ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एलिमिनेटेड। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पूरा का पूरा यानी 2H2O दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट हो जाएगा। उस समय जो बनेगा उसको बोलेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको समझाया था कि एनहाइड्रस शब्द अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, तब उसके पहले हम लोग एनहाइड्रस शब्द का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है जब अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड हम इसको हीट कर देंगे जिप्सम को, जब पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया 2H2O निकल गया तो वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। इसका मतलब उसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर का मतलब है अब उस प्लास्टर को वाटर में रख करके आप कुछ बना नहीं सकते हो, यानी वो एक वेस्ट मटेरियल हो गया, उसका कोई यूज नहीं रह गया। तो एक एक करके मैं प्रिपरेशन भी आपको समझा दूं। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड, आप लिखते रहिएगा, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373 केल्विन इन ए क्लीन का मतलब समझते हो तुम लोग, क्लीन को बोलते हैं भट्टी, जहां पर शराब वराब बनाते हैं जैसा भट्टी होता है ना वैसा ही क्लीन इसको बोलते हैं, क्लीन का मतलब हिंदी में भट्टी होता है। तो क्या होता है, तो देन क्या होगा, देन इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड। ओके, रिएक्शन लिख लिया ना आप लोग, कैल्शियम सल्फेट है .2H2O, इसको आप बोलते हो जिप्सम। मैंने बताया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हीट करेंगे तो 3/4 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा तो CaSO4 .5H2O बनेगा और 3/2 यानी 3/2 H2O यहां से निकल गया, यानी 3/4 ऐसा निकल गया तो 3/2 और 1/2 को ऐड करो तुमको 2 मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बना लिया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हमने बना लिया तो हम जरा देखते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया है। प्रिकॉशन यानी कि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए, उस समय हमें क्या प्रिकॉशन रखना होता है ये देखना है हमको। तो जरा देखो ध्यान से, प्रिकॉशन क्या है, जिप्सम शुड बी हीटेड इन ए कंट्रोल्ड वे। मैं लिख दे रहा हूं ढंग से, जिप्सम शुड बी हीटेड इन ए कंट्रोल्ड वे। जिप्सम शुड बी हीटेड इन ए कंट्रोल्ड वे, इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ जिप्सम किससे नहीं होना चाहिए, should not be allowed to go beyond 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। क्यों, because if gypsum is heated beyond
100 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं मिटा सकता हूं ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और नोट भी कर लिया करो, बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस देन ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी एलिमिनेटेड, देन ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, इस एलिमिनेटेड, इस एलिमिनेटेड एंड, और क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, एलिमिनेट जब हो गया सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, प्रूफ में बताया मैंने, एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जब एनहाइड्रस आ गया तो ये CaSO4 है, मतलब इसमें से वाटर निकल गया पूरी तरह से, इस फॉर्म्ड, इस फॉर्म्ड, दिस इज ए क्या, डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर जो कि हमारे किसी भी यूज में नहीं आने वाला है। तो याद रखना जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दोगे तो पूरा का पूरा जो 2H2O था जिप्सम के अंदर वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, अगर पूरा एलिमिनेट हो जाएगा तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और ये एक डेड बर्न प्लास्टर है जो हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो ये नोट करिए, मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलो अब दो चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यूजेस तो हमको लगता है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इट्स माय ड्यूटी तो मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहली चीज कैसा होता है, ये कैसा होता है, सबको कितने दिन देखा है, हड्डी टूटी है कभी नहीं ना, तभी नहीं देखे हो, इट इज ए व्हाइट पाउडर, इट इज ए व्हाइट पाउडर, डन। अच्छा फिर क्या है, इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले पट्टी बांधते हैं जहां फ्रैक्चर बोन होता है, फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में पोतने के बाद धीरे धीरे पानी मिलाते हैं, तो इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन हार्ड मास, इन हार्ड मास, और ये जो हार्ड मास जानते हो जिप्सम बन जाता है वापस, ऑन वेटिंग विथ वाटर, ऑन वेटिंग विथ क्या वाटर, इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। अब फॉर्मूला क्या है भाई, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड को ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी बोलते हैं, आज जो 3/2 मॉलिक्यूल निकल गया था वही इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो वापस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड बनाएगा, और ये यही है जिप्सम, जिप्सम से ये बनाया था, और इसमें वापस उतना ही मॉलिक्यूल वाटर का जोड़ दो तो जिप्सम बन जाएगा, और जब ये जिप्सम बन गया तो यही हार्ड मास है जो आप प्लास्टर के रूप में फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर आप लोग देखते हो, है ना, यही है। तो ये है प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो यूजेस की बात करते हैं, पहला यूज क्या होगा भाई, बार बार तो वही बता रहा हूं, क्यों मेरे दुखती रख पे हाथ रखते हो कि हड्डी हड्डी जहां भी फ्रैक्चर्ड बोन होगा, तो इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, जो फ्रैक्चर्ड बोन होता है उसके सेटिंग में इसका यूज करते हैं। ओके, एनी गेस, कोई दूसरा बताओ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, स्टैच्यूज, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, बहुत सारे खिलौने बाजार में मिलते हैं भाई, देखे हो नहीं, टॉयज, और बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल भी मार्केट में मिलते हैं पीओपी के बने हुए डेकोरेटिव मटेरियल, एंड स्टैचू, तो ये हो गया। तो
दो यूज हो गया। तीसरा बताओ, पीओपी का यूज फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज होता है। और अगला यूज तो सबके घर, बहुत सारे आप लोगों के घर में छतों पे, इन दीवारों पे पीओपी का यूज करके डिजाइन बनाया गया होगा। मेरे घर में भी बना हुआ है, अभी मैं बताता हूं, दिखा भी दूंगा तुमको। तो उसमें क्या है कि भाई दीवार पे अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ दीवार है, एकदम प्लेन नहीं है, तो उसको प्लेन करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। और भाई सीलिंग में डिजाइन वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, तो मैं अभी दिखा भी दूंगा, तो लिख लीजिए पहले। इट इज यूज फॉर मेकिंग डिजाइंस, इट इज यूज फॉर मेकिंग डिजाइंस, कहां पे भाई? ऑन सीलिंग्स, ऑन सीलिंग छत और वॉल ऑफ हाउसेस। तो सीलिंग और वॉल पे जो डिजाइन होती है उसको बनाने में भी इसका यूज करते हैं। आप लोग देखना चाहते हो तो देख लो, छत पे ये जो दिख रहा है ना पंखा, देखो बंद करके बनाते हैं, तुम लोग को वो यकीन नहीं होता होगा गर्मी में। ये जो डिजाइन बनी हुई है ये पीओपी का बना हुआ है। अब मैं तुमको यहाँ दिखाते हैं, देखो यहाँ पे पीओपी का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। ये जो छतों में डिजाइन दिखती है ना आपको पूरा, ये जो डिजाइन होता है ये पीओपी का बनता है। अगर आपका छत जो है प्लेन नहीं है ना, तो वहाँ पर आप पीओपी लगा करके पहले पूरे दीवार को प्लेन करते हो और उस पर जिस तरह का मन हो उस तरह का डिजाइन बना लो। बस ध्यान रखना आपका सीलिंग जो है ऐसा ना हो उसके अंदर मॉइस्चर आए, यानी छत से पानी टपक रहा हो, तो ये खराब भी हो सकता है। तो गेटिंग माय पॉइंट ना, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ गई तो ओके, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ, वापस आ जाइए बोर्ड पे। तो मैं आपको अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। चलो हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं। बार बार हम लोगों ने बातें की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आखिर लास्ट में आ ही गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं पहले, क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। आप एक कोई भी वेसल लीजिए और उस वेसल में आप वाटर रख लीजिए, सपोज कर लो कोई भी सॉल्वेंट वाटर यूज कर लिया मैंने, और इसके अंदर आप शुगर को डिजॉल्व करिए और टेम्परेचर को फिक्स कर दिए। मान लीजिए हमने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स कर दिया। आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पाए। तो क्या होगा, इस टेम्परेचर पे शुगर आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। तो आप शुगर को डिजॉल्व करते जाएंगे, शुगर डिजॉल्व होता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि इस फिक्स टेम्परेचर पे और अधिक सल्यूट यानी शुगर इस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें जो सल्यूशन मिलेगा वो सल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सल्यूशन। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सल्यूशन। अच्छा चलो, सैचुरेटेड सल्यूशन मिल गया। मैं सपोज कर ले रहा हूं, मैं अंदाजा से बता रहा हूं, मान लो इस टेम्परेचर पे आपने 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर लिया होगा। सपोज कर लेता हूं ऐसे ही, सिंपल सी बात है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 10 ग्राम आपने शुगर डिजॉल्व कर लिया। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, बर्नर वगैरह लगाया हुआ है, टेम्परेचर को फिक्स किया हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा करके टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे ना कि और अधिक शुगर इसके अंदर डिजॉल्व होने लगेगा, और अधिक शुगर डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से सल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर बढ़ने लगती है। इसका मतलब सपोज कर लो कि इस टेम्परेचर पे मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो 15 ग्राम
सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया होगा। अभी क्या है, अभी भाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और इस टेम्परेचर पे हमने देखा 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व हुआ। फिर जब हमने टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस किया तो हमने 50 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर लिया। इसका मतलब है जब हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो हमने देखा कि 10 ग्राम ही शुगर डिजॉल्व पाया। मान लो 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया हो हमने, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 10 ग्राम से ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं हुई। लेकिन हमने जब टेम्परेचर बढ़ा करके 50 डिग्री सेल्सियस किया तो 15 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विबिलिटी बढ़ी होगी। ओके, ये बात आपको 9th में बताया गया था। अच्छा, तो एक बात समझते हैं हम यहाँ पे कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, यानी इस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट की औकात इतनी ही थी कि वो 10 ग्राम से ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं कर सकता था। मतलब इस टेम्परेचर पर 10 ग्राम शुगर से ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को 40 से बढ़ा करके 50 किया तो हमने 5 ग्राम और शुगर डिजॉल्व कर लिया, 15 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो गया। यानी इस टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्वेंट की हैसियत या औकात, जैसे अपने वर्ड में बोल सकते हो बोल दो, इतनी थी कि वो 15 ग्राम से ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं कर सकता था। इसका मतलब तुमको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट की इतनी ही क्षमता होती है कि वह एक फिक्स्ड अमाउंट में अपने अंदर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। अच्छा, लेकिन सोचो सोचो अगर हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से घटा करके 40 डिग्री सेल्सियस वापस कर दें, यानी हमने इसको कूल कर दिया, तो एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन था 50 डिग्री सेल्सियस का, हमने उसको कूल किया और कूल करने के बाद टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास 15 ग्राम शुगर था और इस टेम्परेचर पे कितना था, 10 ग्राम था। इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम चीनी घुली हुई थी और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम इतनी ही शुगर घुल सकती है। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है, जब आपने 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस किया तो आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम चीनी घोल लिया था वहां पे, देखो अब 40 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 10 ग्राम ही घोल सकता था, 40 पे 10 ग्राम ही चीनी घोल सकती थी। इसका मतलब ये है कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे आपके सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर 15 ग्राम शुगर डिजॉल्व है तो अगर एक परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया सॉल्वेंट के अंदर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम था, अब 40 डिग्री सेल्सियस को होना चाहिए था कितना, 10 ग्राम, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ा करके 15 ग्राम घोल चुके थे, तो इसका मतलब है इसमें 10 ग्राम ही रहना चाहिए था, क्योंकि इस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट की औकात 10 ग्राम चीनी को ही घोलने की थी। तो जो टेम्परेचर को हमने बढ़ा करके 5 ग्राम एक्स्ट्रा घोला और टेम्परेचर को वापस ठंडा करके हम 40 पे ले आए तो ये 15 ग्राम था पहले, लेकिन इसमें होना कितना चाहिए था, 10 ग्राम ही होना चाहिए। तो ये जो 5 ग्राम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 5 ग्राम जो ये एक्स्ट्रा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, ये उल्टी कर देगा, वोमिटिंग, उल्टी समझते हो ना, जब कोई चीज ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगी एक सैचुरेटेड सिचुएशन से ज्यादा तो वहां पे वो क्रिस्टल के रूप में बाहर आएंगे। तो बिल्कुल वही है, तो ये सॉल्वेंट कहेगा कि भाई हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस पे तुमने 15 ग्राम चीनी घोल लिया और 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारी औकात है कि हम 10 ग्राम चीनी को अपने अंदर डिजॉल्व करके रख सकते हैं, तो तुमने जब टेम्परेचर को ठंडा किया तो यहाँ पे 15 ग्राम शुगर डिजॉल्व था इस समय, लेकिन इस टेम्परेचर पे होना चाहिए था 10 ग्राम, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा शुगर, यानी एक्स्ट्रा कितना 5 ग्राम, जितना भी एक्स्ट्रा शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है इस टेम्परेचर पे
उसको वो क्रिस्टल के रूप में बाहर कर देगा। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझना गया, ये बात समझना गया। तो द एक्स्ट्रा सॉल्यूट विल सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हेन ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल, देन एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन तुमको आज मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से लेक्चर देखना, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है ना बेटा, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उस समय कुछ मॉलिक्यूल वाटर के उस साल्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं, और जितने मॉलिक्यूल वाटर के उस साल्ट में ऐड हो जाते हैं उसी को ही हम कहते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो 9th वाली बात थी जो मैं तुमको बता रहा था। तो मैं वापस 10th में आ गया, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो, ध्यान से लिखना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एडेड टू द साल्ट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इस कॉल्ड क्या भाई मेरे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गेटिंग माई पॉइंट ना, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जितने भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एडेड टू द साल्ट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं, पढ़ा चुका हूं तुमको वाशिंग सोडा फॉर्मूला भाई Na2CO3.10H2। तो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल है किसके, वाटर के, जुड़े हुए हैं इसके अंदर, तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एप्सम साल्ट, तुम लोग के लिए नया नाम है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। एप्सम साल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, 7 मॉलिक्यूल, 7 का मतलब हेप्टा, 7 का मतलब हेप्टा, 7 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें जुड़ गए, तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। तो इसको बोलते हैं एप्सम साल्ट, तो इसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं। तीसरा अभी अभी पढ़ाया हूं क्या भाई, जिप्सम, क्या बताया जिप्सम, तो जिप्सम का मतलब भाई कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर का यहां पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी हाइड्रेटेड साल्ट है और इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऐसे ही आपने ग्लोबल साल्ट का नाम नहीं सुना होगा, NTSC ओलंपियाड को भी मैं फॉलो कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ग्लोबल साल्ट इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेटेड, डेका मतलब 10 मतलब डेका, तो 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोबल साल्ट। क्या बोलते हैं, ग्लोबल साल्ट। तो ये बात समझ में आ गई, ग्लोबल साल्ट का मतलब Na2SO4.10H2O। तो इन सब में आप देखो कुछ मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एडेड टू द साल्ट ड्यूरिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, ओके। तो ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा अब मैं बात करूं अगर यूजेस की, सॉरी किसकी, वाटर हाइड्रेटेड साल्ट की, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है हाइड्रेटेड साल्ट, तो बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, समझ जाओगे। द साल्ट कंटेनिंग
वाटर मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं समझ में दिख रहा होगा, द सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड क्या, हाइड्रेटेड साल्ट, मतलब ऐसा साल्ट, ऐसा साल्ट जिसके अंदर क्या हो, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों, उनको बोलते हैं क्या हम लोग, हाइड्रेटेड साल्ट, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, मैं वीडियो बना रहा था तुम्हारे लिए, तब तक मैंने स्टडी ग्रुप में देखा किसी बच्चे ने किसी पॉलिटिकल लीडर की पिक्चर लगा करके, नहीं करो ऐसा, अच्छा नहीं लगता है, शोभा भी नहीं देता है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, ठीक है, आप समाज से अवेयर हो, तुम्हें सब पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका प्रदर्शन नहीं करो, तुम अपने दिल से फील करो, यहाँ से फील करो, लेकिन इसको ये इसका प्रदर्शन ना करो कि हमें इस, हम तो कितने लेक्चर तुमको बना दिए हैं मोटिवेशन लेक्चर कि स्टे होम स्टे सेफ, ये सब ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ सब कुछ सही है भाई मेरे, लेकिन ये ग्रुप आपका स्टडी के लिए है, इस ग्रुप में आप किसी भी तरह की अनर्गल वार्तालाप नहीं करेंगे, यू गॉट माय पॉइंट, किसी भी बच्चे को मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, बेटा मेरा काम तुमको समझाना भी है और ढंग से पढ़ाई करना अच्छे से, हम वापस मिलेंगे किसी नए चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ, तो ये सारी चीज़ें ढंग से नोट कर लेना, प्रॉब्लम्स अपने शेयर करते रहना, कुछ बच्चों ने जो है कुछ प्रॉब्लम शेयर किया है, उनको SCF FTM में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा ना, जितने भी प्रॉब्लम्स उस पर बेस्ड है ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, तो आई एम हियर डोंट फियर ओके। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, दो वीडियो पिछले वाले देखे वो कैसे बनाए हैं, तो अभी तीसरा वीडियो आराम से बना दिया, तो उसको ढंग से लाइक भी कर देना, क्योंकि यूजेज प्रॉपर्टीज तो ये सब लर्न करने वाली चीज़ें थी ना, तो आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करना, खूब ढंग से पढ़ाई करना, ओके, वेरी गुड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।